चुनाव मैदान में किन दलों के बीच मुख्य टक्कर है, इसका अंदाजा केवल प्रचार से ही नहीं बल्कि प्रचार सामग्री से भी लग जाता है। कोलकाता का बड़ा बाजार पश्चिम बंगाल में चुनाव सामग्री का सबसे बड़ा बाजार माना जाता है। इस बाजार में चुनाव प्रचार में किन दलों का दबदबा दिख रहा है, ये बता रही न्यूज़ नेशन संवाददाता पिनाक त्यागी। बंगाल के सियासी संग्राम में हर पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है और पूरा दमखम झोंक दे रही है, लेकिन जब हमने बंगाल के बड़ा बाजार का, कलकत्ता के बड़ा बाजार का दौरा किया और वहां पर जहां पर चुनावी कैंपेन की पार्टियों की प्रचार सामग्री मिलती है उन दुकानों पर हम गए, तो कमोबेश इन दुकानों की सूरत हाल ही बता रही है कि यहाँ पर असली मुकाबला किसके बीच है। आपको दुकानों के ऊपर तृणमूल कांग्रेस के झंडे मिलेंगे, बीजेपी के झंडे मिलेंगे, लेकिन लाल सलाम ठोकते हुए झंडे जो हैं आपको कम ही नजर आएंगे। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां जो हैं उनके मर्चेंडाइज आपको कम ही नजर आएंगे, जबकि बीजेपी तृणमूल कांग्रेस की साड़ियां हों, झंडे हों, टी शर्ट्स हों या फिर उनके बैजेस हों, तमाम चीज़ें जो हैं आपको नज़र आ जाएंगी, अम्ब्रेलाज जो हैं वो नज़र आ जाएंगे, लेकिन लेफ्ट और कांग्रेस उनके जो मर्चेंडाइज हैं आपको शायद ही इक्का दुक्का कहीं कोने में जो हैं सबसे पीछे की कतार में नज़र आएंगे। आप ये देखिए कि यहाँ पर आपको बीजेपी दिखेंगी, यहाँ पर आपको ममता बनर्जी की टी शर्ट दिखेंगी, यहाँ पर आपको गमछे दिखेंगे बीजेपी के, तिरंगा झंडा भी नज़र आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको लाल सलाम करते हुए पोस्टर्स बैनर्स जो हैं वो कम ही नज़र आएंगे। सर ये बताइए कि तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के तो पोस्टर बैनर खूब हैं, लाल सलाम गायब है, इस बार मुकाबला किस में है, कांग्रेस बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस? तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस का दबदबा है। आप बताइए असली लड़ाई किसके बीच में है सर? दोनों का, बीजेपी और तृणमूल में। लेफ्ट ने 34 साल राज किया, वो कहाँ गए? हमको नहीं मालूम, वो हम लोग क्या जानेंगे, उससे हमको मतलब नहीं है, हमने जो है वो बता रहा हूँ एज ए रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा, तो किसके किसके झंडे ज्यादा बिक रहे हैं भैया? दोनों आदमी के, बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस। देखिए यहाँ पर दुकानदार भी ना पॉलिटिकली बहुत करेक्ट होके बोलता है, क्योंकि राजनीतिक हिंसा, तोड़फोड़, दबाव की राजनीति जो है बंगाल का प्राय रही है, तो कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कार्यकर्ता जो है यहाँ पर झंडे की खरीदारी के लिए आए हुए हैं, आप लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं? हाँ जी। कौन सी पार्टी से हैं? टीएमसी। टीएमसी से खरीदारी जमकर हो रही है, यानी तैयारी पूरी चल रही है? अब पूरी चल रही है, पूरी चल रही है। ममता बनर्जी के लोग हैं हम सब। ममता बनर्जी, आप तो कार्यकर्ता हैं, आप दुकान पे सामग्री, चुनाव प्रचार सामग्री खरीदने आएंगे तो उन्हें जिताएंगे? आपको जिताएंगे, 100% जिताएंगे। दुकानदार वाले भैया जी से पूछ लेते हैं, ये बताइए सर, ये तो कह रहे हैं उन्हें जिताएंगे और आपको तो सबसे दुकानी बनाकर रखनी है, लेकिन ये बताओ कि ज्यादा डिमांड किसकी है, कौन पार्टी ज्यादा पैसा खर्च कर रही है? रूलिंग पार्टी जो है वही करेगा दीदी, और कौन करेगा? रूलिंग पार्टी ज्यादा पैसा खर्च कर रही है, यानी तृणमूल का सामान ज्यादा बिकता है? हाँ वही बिक रहा है, देख लीजिए सब वही है। चलिए, तो यानी कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो पूरी ताकत झोंक रहे हैं, यहाँ पर देखिए सामान भी उनका ही ज्यादा बिक रहा है, मर्चेंडाइज भी उन्हीं के ज्यादा नजर आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर आप देखिए टी शर्ट्स बीजेपी की भी है तो तृणमूल कांग्रेस की भी है, तो यानी कि कांटे का मुकाबला है, लेकिन लेफ्ट जो है उसका झंडे जरा कम तादाद में नजर आ रहे हैं। सर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी उनकी टी शर्ट भी है, पोस्टर बैनर भी है, लेकिन लेफ्ट के झंडे इक्का दुक्का, यानी कि रेस में पीछे है? पीछे है, रेस, हाँ, रेस में पीछे है। आपको क्या लगता है असली मुकाबला इस बार कहीं बीजेपी और टीएमसी में है? अच्छा, कौन सी पार्टी, देखिए आप तो सामान जाता है तो कौन सी पार्टी ज्यादा पैसा खर्च कर रही है? टीएमसी। आप बताइए सर? टीएमसी ज्यादा पैसा खर्च कर रही है, हाँ, हमारे खरीदार सब टीएमसी के ही हैं। टीएमसी वाले बैठे हैं तो उनको नाराज नहीं करना, कहीं अच्छी दुकानदारी तो नहीं है? टीएमसी ही ज्यादा पैसा खर्च कर रही है, तो आप लोगों ने तो पूरी ताकत झोंक दी। हाँ, पूरा पैसा खूब लगा रहे हैं, खूब पैसा लगा रहे हैं। अच्छा, क्या क्या इस बार क्या चीज की डिमांड ज्यादा है? यही अभी तो फ्लैग और गंजी, यही ज्यादा चल रहा है। फ्लैग, टी शर्ट भी। टी शर्ट पे क्या लिखवा रहे हैं मैसेज? मेरे को तो बांग्ला आती नहीं है, कुछ खास लोग वगैरह भी लिखे जा रहे हैं, ये क्या लिखा है इस पर? बांग्ला मेक के चाय। अच्छा, इसका मतलब हिंदी में क्या होता है? हिंदी मतलब हो गया कि बंगाली जो यहाँ की लड़की है उसको अलग। अच्छा, फेवर, तो बंगाली लड़की को फेवर करिए, बंगाल की लड़की को जिताइए, इस मैसेज के साथ ये टी शर्ट है और ये बीजेपी की टी शर्ट है अपने सिंबल के साथ। तो चलिए देखिए, तो यहाँ पर दुकानदार भी मानते हैं कि लेफ्ट जो है अपनी ताकत उस तरह से नहीं झोंक रहा है और सत्ता से एक लंबे वक्त से बाहर है कहीं ना कहीं, तो उस तरह के फंड्स भी कहीं ना कहीं नहीं है, और इसी वजह से आपको जितने मर्चेंडाइज जो हैं दूसरी पार्टीज के नज़र आएंगे, जितने कार्यकर्ता उनके नज़र आएंगे इन दुकानदारों पर, उस हिसाब से आपको
लेफ्ट और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो नजर नहीं आएंगे। तो मुकाबला कांटे का रहेगा यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ पिनाक त्यागी, न्यूज नेशन, बड़ा बाजार, कोलकाता।